पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार्गो ट्रांसपोर्ट के सारे दोस्त थे। तो अभी हमने इसमें एक फैसला कर लिया, कमेटी हम बना रहे हैं, कमेटी के साथ बैठकर एक एजेंडा बना रहे हैं और हुकूमत से उस पर अपील करेंगे। इसमें हमारे बहुत सारे मामलात हैं। जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें कुछ टैक्सेस जो है ना वो कम करें, ताकि किसी जगह से तो कोई ट्रांसपोर्टर को रिलीफ मिले। ट्रांसपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर कोई चीज़ जो है चल नहीं सकती। जो हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है, उन पर लाया अमल बनाया जाए, जिस पर मैंने अपना मशवरा देते हुए अपनी मुशावरत का इजहार करते हुए यही अर्ज़ किया है कि हमें सबसे पहले तो मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, इत्तेफाक में बरकत है, अगर हमारा इत्तेफाक नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुत्तहिद होना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द है, मेरे ख्याल के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड गुड ट्रांसपोर्ट में लाइफ बन जाएगा। इत्तेफाक किया है उनसे भी, गवर्नमेंट से भी हम अपील करते हैं कि प्लीज़ इसको देखें, कोई ठेके हैं पर्चियों के वो भी ट्रांसपोर्टरों पर। सोचिए कि पब्लिक है तो सब कुछ है, इस वक्त बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि आप तावन करें, हर इसमें वो कर सकती है। और जो हम लाहे अमल देंगे मकसद पे बुरा उतरेंगे, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तुम्हारे मामला हल नहीं हो सकते। तो आज ये मीटिंग का जो एजेंडा था कि इकट्ठे होने का, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मेरे ख्याल में लान हो जाएगा ये लाइंस का, और लाइंस के प्लेटफॉर्म से हम जो लाहे अमल देंगे उसमें बहुत लोगों को आसानी मिलेंगे, ट्रांसपोर्टर का मामले भी हल होंगे। हुकूमत जो भी फैसले करे स्टेक होल्डर को साथ लेकर चले, अगर स्टेक होल्डर को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो परेशानियाँ बढ़ेंगी, हुकूमत के लिए भी बढ़ेंगी, हमारे लिए तो ऑलरेडी हैं और बढ़ती जा रही हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पहिया खुद बहुत खड़ा हो जाएगा, अगर ये खड़ा हो गया तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री भी इसी इदारे से चलती है। उनको ट्रांसपोर्ट को भी इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए और उसके भी जो मसाइल हैं उनको देखना चाहिए। गवर्नमेंट की और मुख्तलिफ महकमों की, मुख्तलिफ इदारों की, पर्ची माफिया की, टोल टैक्स वालों की, ट्रैफिक पुलिस की, मोटरवे पुलिस की, इनकी गुंडागर्दी जो है हम पर चलती रहेगी। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले मुत्तहिद होना पड़ेगा। और जो लोगों की जो आने जाने का जो है वो भी इसी से है, आगे ईद भी आ रही है, हम बिल्कुल कोशिश में ये हैं कि हम वो फैसले करें जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। मगर हम हुकूमत से बिल्कुल अपील भी करेंगे, हम उनसे तआवुन करना चाहते हैं, अगर हुकूमत हमसे जो है फ़ायदा उठाना चाहती है तो हमें साथ बिठा कर हमारे मामलात को देखे, वरना जो है हालात तो फिर जिस तरह जा रहे हैं जिस तरफ, वो यही है कि ये बंद हो जाना सारा कुछ। और हम कहते भी रहें तो ये कारोबार करने की सकत ही नहीं रहेगी। अब देखें ना, 135 से बढ़कर 258 रुपए हो गए, 120 रुपए बढ़ गए हैं, तो ये 81% बनता है। इसके साथ अगर सिर्फ डीजल की बात हो तो वो तो चलो एक ठीक है, एक इंटरनेशनल, उसके साथ बाकी एसेसरीज जो हमारी हैं, टायर हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, उसमें और एसेसरीज हैं, स्पेयर पार्ट है। हमारी बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान में टायरों की अभी एक दूसरी फैक्ट्री एक लगी है, अदरवाइज़ टायर बनता ही नहीं है यहाँ पे, और जो बनता है वो इतना गैर मियारी है, बहुत ही गैर मियारी। दूसरा रह गया बाकी जितना हमारे जो पार्ट्स हैं ये सारे इम्पोर्टेड हैं, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहाँ पर असम्बलिंग होती है तमाम ऑटो की। तो ये बड़ा एक दुख की बात है, और मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा इस लेवल पर कि हमारी बात को सुने और इस मौजू को जो है इसको किसी तरफ
बेहतरी की तरफ हम ले जाएं। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।